अब खबरें विस्तार से। दिव्या आदर्श विद्या पब्लिक स्कूल बोटा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दे रहा है। इसके चलते ही स्कूल में आए दिन बच्चे प्रतियोगिताओं में स्कूल का नाम प्रदेश भर में चमका रहे हैं। स्कूल प्रबंधक निदेशका सुरभि ने बताया कि अनुष्का का चयन जवाहर नवोदय डिग्री के लिए हुआ है तो प्लस टू के दो छात्रों का चयन पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए हुआ है। उन्होंने बताया कि हर साल स्कूल के होनहार छात्र स्कूल का नाम प्रदेश में चमका रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी छात्र इसी तरह से स्कूल का नाम रोशन करेंगे। दिव्या आदर्श विद्या पब्लिक स्कूल भोटा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर बल दे रहा है। इसके चलते ही स्कूल में आए दिन बच्चे प्रतियोगिताओं में स्कूल का नाम प्रदेश भर में चमका रहे हैं। स्कूल प्रबंध निदेशिका सुरभि ने बताया कि अनुष्का का चयन जवाहर नवोदय डिग्री के लिए हुआ है तो प्लस टू के दो छात्रों का चयन पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए हुआ है। उन्होंने बताया कि हर साल स्कूल के होनहार छात्र स्कूल का नाम प्रदेश में चमका रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में भी छात्र इसी तरह से स्कूल का नाम रोशन करेंगे। We at Divya Adarsh Vidya Public Senior Secondary School are very delighted to announce the achievements of this session. Two of our students who have passed plus two class have cracked the JEE main entrance exam. Seven students have qualified PU examinations and one of the student of 9th class, Anushka, has got selected in JNV Dungri. And I am very thankful and grateful to the staff and the management who are doing their best for these students, for the betterment of their future. So thank you. वहीं छात्रा अनुष्का ने बताया कि स्कूल के अध्यापकों के द्वारा करवाई गई पढ़ाई के चलते ही मेरा चयन JNV डिग्री में हुआ है। उन्होंने बताया कि अपने चयन के लिए स्कूल अध्यापकों के अलावा प्रबंधक का भी अहम रोल रहा है। Of class 9 studying in Divya Adarsh Vidya Public Senior Secondary School Bhota. In my first achievement, I got selected for JNV Dungri. For this, I am very grateful and obliged to my parents, school teachers and management who have guided me throughout the session to achieve this goal. They have not only taught me well, but they helped me in shaping my attitude towards the betterment of my future. Thank you.